बहुत बड़े पैमाने पे लोग गिरगांव चौपाटी और जुहू चौपाटी पे जाते हैं, तो कहीं हमारी ये सोच थी कि उनको बहुत अच्छा खाना वहाँ मिलना चाहिए, जो भी खाना वहाँ सर्व हो रहा है वो हाइजीनिक और सैनिटाइज्ड खाना होना चाहिए। इसलिए उस दृष्टिकोण से जो क्लीन स्ट्रीट फूड हब जो एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की FSSAI की, वो हमने यहाँ इम्प्लीमेंट 8-9 महीने पहले इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत की थी, जिसमें सबसे पहले हमने वहाँ की गैप एनालिसिस किया कि क्या एक आइडियल क्लीन स्ट्रीट फूड हब के लिए चाहिए और क्या वहाँ था। तो वो गैप में हमें दिखाई दिया कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं थी, प्रॉपर पानी नहीं था, बेसिन्स नहीं थे हाथ धोने के लिए, पेस्ट कंट्रोल हुआ नहीं था, लोग ट्रेंड नहीं थे ठीक से कि भाई कैसे खाना बनाना चाहिए, उनके स्टॉल्स ठीक तरीके से नहीं थे, फिर वहाँ का जो कचरे का व्यवस्थापन है वो ठीक से नहीं था। तो ये सारे गैप्स हमने पहले आइडेंटिफाई करे और फिर उसके ऊपर काम किया, 7-8 महीने इस पर काम किया और फाइनली सारे गैप्स क्लोज करके फिर हमने थर्ड पार्टी इसका ऑडिट कराया और फिर अभी हमें FSSAI दिल्ली से सर्टिफिकेट मिला है कि उस एरिया को हम क्लीन स्ट्रीट फूड हब करके दिखा। मैं यहाँ काफ़ी बार आ चुकी हूँ, मैं मुंबई में ही रहती हूँ और फिलहाल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है फूड में। पहले इतना क्लीन नहीं था जितना अभी है, डिशेस भी क्लीन हैं और आप फूड भी खाते हैं तो हाइजीन है, प्लेसेस टूल्स वगैरह अच्छे से क्लीन करके रखते हैं एंड फूड में भी क्वालिटी है, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, प्रॉपर बटर से लेके द मसालाज आते यूज, इट्स रियली गुड एंड टेस्ट वाइज इट इज़ रियली यम्मी, इट्स वेरी टेस्टी एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जगह है ये मुंबई में, यहाँ लोग चलाकर खाने आते हैं। सो आई थिंक FSSAI से जो इनको सर्टिफिकेशन मिला है, दैट इज़ टोटली डिजर्व इट, टोटली डिजर्व इट।